अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सानिया निश्तर, हु इज़ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। डॉक्टर सानिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करना चाहूँगा कि एहसास प्रोग्राम, ऑल्दो काफ़ी आपने इसके बारे में पहले ही बात किया हुआ है, आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम एवरी वन इन पाकिस्तान नोज के एहसास प्रोग्राम क्या है, बट इन योर ओन वर्ड्स अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें कि ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, और ये क्योंकि काफ़ी दफ़ा पहले भी हमने सुनने को मिला कि ये 134 डिफरेंट पॉलिसीज़ और उन सारों को मिलके बना है, तो ये ओवर आर्चिंग विजन है वो क्या है? ये एहसास जो है, जैसे कि आपने अभी कहा, ये एक समाजी तहफ़ुज़ का प्रोग्राम है और इसमें 130 से ज़्यादा पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं, और इस प्रोग्राम को वज़ीर-ए-आज़म के जो रियासत मदीना का जो विज़न है उसके मुताबिक तश्कील दिया गया है। बेसिक आइडिया ये है कि हकूमत का जो पूरा इंजन है, हकूमत के जो सब इदारे हैं, उनको इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि वो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक ज़रूरतमंद, एक पिसे हुए आदमी की जो जो फलाह बहबूद है उसको अवलीन तरजीह दे और उसके लिए हकूमत का तमाम इंजन इस्तेमाल हो। तो एहसास के जो डिफरेंट पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हैं वो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं ज़रूरतमंद लोग, वो उनके लिए तश्कील दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि मार्च 2019 से अब तक तकरीबन कोई 1 साल और 3 माह हो गए हैं और बतदरीज नए प्रोग्राम्स जो हैं हम रोल आउट करते जा रहे हैं और उनको अपस्केल करते जा रहे हैं। प्रोग्राम्स की रोल आउट से पहले जब एहसास की पॉलिसी बयान आया था, वज़ीर-ए-आज़म ने वो दिया था, उसके बाद हमने उसका जो इंतज़ामी ढांचे हैं उन पर काम किया था। एक मिनिस्ट्री नई बनी थी समाजी तहफ़ुज़ के लिए, उसके मिनिस्ट्री के नीचे जो तमाम जो बिखरे हुए इदारे थे उनको यकजा किया गया था, एक बजट दिया गया था। फिर हमने गवर्नेंस और इंटेग्रिटी पॉलिसी सबसे पहले हम लाए थे एहसास की, ताकि तमाम इदारों पे वो लागू हो। उसके बाद हमने उसकी स्ट्रेटजी को स्ट्रक्चर किया था, उसके गोल्स जो थे, टाइम बाउंड आउटकम बेस्ड गोल्स जो थे उनको तश्कील दिया था, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन मैकेनिज्म बनाया था, और फिर एक साल का जो अरसा था उसमें हम उसके सिस्टम्स बना रहे थे, आईटी सिस्टम्स बना रहे थे, डेटा एनालिटिक सिस्टम्स बना रहे थे, कैश डिसबर्समेंट की जो पार्टनर्स थी उनकी प्रोक्योरमेंट हो रही थी, ओवरसाइट कमेटियाँ बन रही थी, गवर्नेंस मैकेनिज्म तश्कील दिए जा रहे थे, एक्सपर्ट ग्रुप्स अपना काम कर रहे थे, और उसके साथ साथ जैसे जैसे प्रोग्राम्स तैयार होते जा रहे थे हमने उनको भी रोल आउट करते जा रहे थे। तो आपने देखा कि किफालत प्रोग्राम रोल आउट हुआ, उसके बाद बिला सूद कर्ज़ों का प्रोग्राम था, फिर आमदन प्रोग्राम था, फिर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम था, फिर हमने रोल आउट किया नशोनुमा प्रोग्राम, मार्च 25 को रोल आउट करना था, मगर और ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं ये ऑलरेडी इस वक्त मतलब लाइव हैं, ये नहीं है कि इनके ऊपर काम हो रहा है, बट रादर ये लाइव जी जी बिल्कुल ये लाइव हैं। किफालत, बिला सूद कर्ज़ा, आमदन, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, नशोनुमा प्रोग्राम जो है ये वज़ीर-ए-आज़म खुद इसका इफ्तिताह करेंगे अभी 28 जुलाई के बाद। फिर उसके बाद जो हमारा तालीम का जो प्राइमरी तालीम का प्रोग्राम है, फिर वो, फिर तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम जो लोगों को इंडिविजुअल्स बड़ी बड़ी ग्रांट्स देते हैं ख़ासतौर पर हेल्थ के लिए, जिस पर 1.5 साल से काम हो रहा है। ये कुछ प्रोग्राम्स तो रोल आउट हो गए हैं और कुछ जो हैं जो बिल्कुल अब तैयार हैं, मगर कोविड की वजह से पिछले 4 महीने में, जैसे कि आप जानते हैं, हम इमरजेंसी कैश में ही बिजी रहे, मगर पिछले साल में बिला सूद कर्ज़े, आमदन का प्रोग्राम, किफालत का प्रोग्राम, नीड और मेरिट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और जैसे कि मैंने बताया नशोनुमा प्रोग्राम इफ्तिताह के लिए तैयार है, तालीम प्रोग्राम हम नेशन वाइड स्केल अप के जो प्राइमरी स्कूल पे बच्चों के लिए जो वजीफे हैं उसकी तमाम तर तैयारी नेशन वाइड रोल आउट के लिए मुकम्मल है। तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम जो है उसके रोल आउट हम बिल्कुल रेडी हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक लंगर जो हैं उसके लिए हमने बड़ी एक इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कि पूरे मुल्क में जो लंगर खुल रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 0 इन्वेस्टमेंट है, अच्छा 0 खर्चा है, सिर्फ हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है हम उनको लैंड देते हैं और लॉजिस्टिक्स करते हैं। फिर पनागाह का जो प्रोग्राम है, तो ये तमाम जो एहसास की छतरी तले वज़ीर-ए-आज़म की जो रियासत मदीना की जो विजन है, जो एस्पिरेशन है, उसकी अलाइनमेंट में जो ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो रहा है, ये एक बड़ा मल्टीफैसेटेड प्रोग्राम है जो डिफरेंट
टारगेट ग्रुप्स हैं मुस्तहकीन के, उनके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए हमने पूरा एक इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम खड़ा किया एक साल की मेहनत में, और साथ साथ फिर प्रोग्राम्स भी रोल आउट करते गए, उनको रिफाइन करते गए, उनको अब स्केल भी करते गए। सो ये मैं खासकर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि आपने कहा कि हमने एक साल पूरा का पूरा पहले इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया और हमने पॉलिसीज को बिल्ड किया। दिस इज समथिंग जनरली डोंट फाइंड राइट, कि यू नो पीपल वांट कि क्विक एक्शन हो या इमीडिएटली रिजल्ट्स नज़र आए। और आई थिंक आपके ऊपर प्रेशर भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डेफिनेटली होगा, बिकॉज आई रिमेंबर कि जब ये एहसास ओरिजिनली लॉन्च हुआ था तो बड़ा फैनफेयर के साथ लॉन्च हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो जाहिर है कि क्वेश्चंस भी उसी स्पीड से आते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज टू यू नो कीप दैट प्रेशर असाइड एंड मेक श्योर कि आप जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको पहले सही तरीके से करें? क्योंकि हमें खासकर कोविड में ये नज़र आया कि कोविड में द वे एहसास वॉज एबल टू रोल आउट टू अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन इन आर कंट्री, वो प्राइमरीली इस वजह से था बिकॉज बड़ा रोबस्ट सिस्टम यू नो बैक एंड पे लगा हुआ था। तो वो आपने कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो ये कि सिस्टम बिल्डिंग बड़े प्रोग्राम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो आप कच्चा पक्का प्रोग्राम सिर्फ इफ्तिताह के लिए बना देते हैं वो बहुत ही गलत बात होती है, और जो मुल्क में एक रिवायत पड़ गई थी कि ऐसे काम करने की, तो हमने एक साल जो था वो सिस्टम्स बिल्ड किया। और आपने एहसास इमरजेंसी कैश में देखा कि हमने 2019 में बायोमेट्रिक सिस्टम नया लगाया था, एक बड़ी डिफ़िकल्ट और प्रोक्योरमेंट थी दो पार्टनर बैंक्स को ऑन बोर्ड लाने की, नंबर एक। नंबर दो, हमने फिर 2019 में ही एक नया एसएमएस बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम जो था उसकी भी तैयारी की थी, और नंबर तीन, हमने एक डेटा एनालिटिक्स मैकेनिज्म 2019 में उसकी तश्कील दी थी। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने एहसास इमरजेंसी कैश का जो डिज़ाइन किया और फिर रोल आउट किया। मगर जैसे कि आपने कहा, वो एक साल की इन्वेस्टमेंट थी, और प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं कि जी हमने जो इन्वेस्टमेंट की अब वो हम उसको रीप कर रहे हैं। मगर आपका जो सवाल था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि प्रेशर, तो ऑब्वियसली लोग तो बहुत क्विक एक्शन चाहते हैं, और उनको ये समझाना कि हमें सिस्टम्स बिल्ड करने हैं, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी प्रोक्योरमेंट करनी है, हमने एहसास में कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं ली, सब कवायद व ज़वाबित के मुताबिक प्रोक्योरमेंट्स भी की, सिस्टम्स भी बिल्ड किए, और उसका क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर को दूंगी, क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि हमें चीज़ दयानतदारी के साथ एक मुनज़्ज़म अंदाज में करने के लिए, एक सस्टेनेबल तरीके से करने के लिए हमें सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, और उन सिस्टम्स बिल्ड करने में टाइम लगेगा, और वो जो सेफ गार्ड्स बनाने हैं वो इंशाल्लाह आइंदा हमें काम आएंगे। तो अब काफ़ी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ये कैश ट्रांसफ़र्स का ही नहीं बल्कि और दीगर जो प्रोग्राम्स मैंने आपको बताया, तो अब आप देखेंगे कि अगले चार महीने में क्विक सक्सेशन में 3-4 प्रोग्राम्स जो कोविड की वजह से मौखर हो गए थे अब उनको शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह जैसे ही शुरू करते हैं तो फिर हम उनकी रियल टाइम एवेल्यूएशन, लर्निंग्स, अपस्केलिंग पे लग जाते हैं। सही सही। अच्छा, एक चीज़ जो हमने खासकर एहसास प्रोग्राम से देखी कि जनरली गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो टॉप डाउन अप्रोच लेती हैं, वो जाती हैं जाके यू नो टैक्स ब्रेक्स देती हैं या बिजनेसेस को फ़ायदे देती हैं, और कहती हैं ट्रिकल डाउन के ऊपर हम सॉर्ट ऑफ यू नो लोगों को उठाएंगे इकोनॉमिक्स वाइज। ये अप्रोच बड़ी डिफरेंट थी, ये बॉटम अप थी, जहाँ पर आप गए और आपने कहा कि यू नो हम सबसे जो मार्जिनलाइज तबका है अगर हम उसको सॉर्ट ऑफ सपोर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि सोसाइटी में चेंज आएगा। ये जो थॉट प्रोसेस है, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम इन द बिगिनिंग, लाइक इज दिस ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शंस आई थी या ये किस तरह से हुआ था, इफ यू कैन शेयर समथिंग? जी, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मैसिव इन्वेस्टमेंट एट द ग्रास रूट्स लेवल, मैसिव इन्वेस्टमेंट इन सोशल प्रोटेक्शन, पिसे हुए तबके को प्रायोरिटी देना, और प्रायोरिटी सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं बल्कि उसके लिए इदारा बनाना, मिनिस्ट्री बनाना, उसको बजट देना, उसको एम्पावर करना, और उसको अपनी पब्लिक कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी तरजीह देना, ये तो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर के रियासत मदीना के विजन से ही ये थिंकिंग, ये प्रायोरिटी वहीं से आई थी। और फिर एहसास की, मगर जैसे कि आप स्ट्रेटजी में पढ़ते हैं, विजन वहाँ से आया मगर जो उसकी स्ट्रक्चरिंग थी वो 21वीं सदी की रियलिटीज़ के मुताबिक हमने की कि जी हमने डिजिटल पे फोकस करना है,
हमने टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है, हमने सेल फोन को एज ए टूल इस्तेमाल करना है, हमने पाकिस्तान का जो टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नादरा की केपेबिलिटीज़ हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड्स की ऑथेंटिकेशन का जो से जो आपको एडवांटेज मिल सकता है, उन तमाम चीज़ों को लेवरेज करना है, हमने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इस्तेमाल करते हुए लोगों को एम्पावर करना है, ये तमाम जो चीज़ें थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ये तमाम जो चीज़ें थी, ये हमने एक कॉन्शियस डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया कि हम ये तमाम 21वीं सदी के जो टूल्स हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए एक रियासत मदीना की विजन पे चलेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन की आपने भी बात की, आई लाइक टू अंडरस्टैंड कि यू नो पाकिस्तान में ख़वातीन खासकर ऐसी हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम से भी बाहर रही हैं अगर बॉयज़ के साथ कंपेयर करें, और फाइनेंशियली तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं रहीं, तो एहसास का क्या कोई ख़ास फोकस है ख़वातीन के ऊपर? और मैं तस्वीरें भी आपकी देखता हूँ कि आप फील्ड में काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर यू नो वो ख़वातीन से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, तो क्या उनका फ़ीडबैक रहता है और क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको सुनने में आए ख़वातीन जो फेस करती हैं पाकिस्तान में? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि एहसास में ख़वातीन पे ख़ास फोकस है। हमारा एक 50% रूल है कि जो भी बेनिफिट होगा एहसास का वो कम अज़ कम 50% ख़वातीन के लिए होगा, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है या बिलासूद कर्ज़ा है या और जितने भी प्रोग्राम हैं, उसमें 50% औरतों के लिए, और उसको हम एक्टिवली ट्रैक भी करते हैं। जब रिपोर्ट्स आती हैं बिलासूद कर्ज़े की तो देखते हैं कि 45% है, तो फ़ौरन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को कहा गया कि उसको ऊपर करें। नंबर दो ये कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 50% प्लस रूल है, जैसे कि हमारा आमदन प्रोग्राम है, आमदन प्रोग्राम में ख़वातीन का हिस्सा 60% है। अच्छा, जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए जो वजीफ़ा है, जो अब हम 50 डिस्ट्रिक्ट से पूरे मुल्क में ले जा रहे हैं इसी साल, उसमें बच्चियों का वजीफ़ा सहमाई वजीफ़ा 2000 है और लड़कों का वजीफ़ा 1500 है, तो ये 50% प्लस प्रिंसिपल्स पे है। और फिर हमारा कफालत प्रोग्राम जो है, जैसे कि आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की, तो वो तो 100% औरतों का है, जो वन वुमन वन बैंक अकाउंट है वो 100% औरतों का है। फिर जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हमारे होते हैं जहाँ भी होते हैं, तो वो हम जैसे पनाह गाह हैं, लंगर हैं, वहाँ ख़ास एक फोकस होता है कि औरतों की जगह ज़रूर हों, क्योंकि अक्सर जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बुज़ुर्गों की जो जगह है या ऑर्फनेजेस हैं या लंगर हैं, ये पनाह गाह हैं, ये जो सब एहसास के फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं, उसमें अक्सर लड़कियों का या बच्चियों का या एडोलेसेंट लड़कियों का या ख़वातीन की वो सेंसिटिव नहीं होते, तो उस हिसाब से। फिर हमने एजुकेशन की मद में एहसास के फ्रेमवर्क में ख़ास तौर पे एक सेकंड चांस प्रोग्राम लड़कियों के लिए, उसकी भी प्रोविज़न रखी गई है, उसकी प्लानिंग अभी जा रही है कि जो बच्चियाँ प्राइमरी के बाद मिडिल के बाद स्कूल नहीं जा सकती, उनको कैसे वापस एजुकेशन के धारे में लाया जाए। एग्जांपल्स तो बहुत हैं, मैं आपको कुछ चंद जो की कलीदी चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। जैसे कि हमारी लेबर की स्ट्रीम है, यानी कि मज़दूर के एहसास की स्ट्रीम है एहसास के फ्रेमवर्क में, उसमें होम बेस्ड वर्कर्स पे खासा फोकस है, जो घरेलू मुलाजमाएँ हैं, जो खेतों में औरतें काम करती हैं, जिनके काम को काम जाना ही नहीं जाता, तो इन तमाम उनको फॉर्मल काम के धारे में लाना, उनकी जो राइट्स हैं उसके बारे में जो फोकस है, वो भी एहसास के दायरेकार का हिस्सा है। अच्छा, आप रेगुलरली फील्ड विजिट्स भी करती हैं और आपकी पिक्चर्स भी आती हैं सोशल मीडिया पे, हम देखते हैं, तो उसमें यू नो आपको क्या फीडबैक मिलता है, जो ऑन ग्राउंड लोग हैं उनसे आपको क्या फीडबैक मिल रहा है एहसास के बारे में और ओवरऑल जो ये प्रोग्राम है उसके बारे में? देखिए, एहसास के तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट फीडबैक होती है। अगर आप एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की बात करें, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, वो इस प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और प्रोग्राम की ज़्यादा डिमांड है कि अगर कायद आज़म यूनिवर्सिटी में लेट्स से कोई 5000 स्कॉलरशिप हैं तो डिमांड उससे ज़्यादा होगी। तो एक तो डिमांड एस्पेक्ट है और लड़कियों की तरफ से बहुत डिमांड होती है। दूसरा ये कि जैसे हमारे आमदन बढ़ाने वाले प्रोग्राम है, कर्ज़ों के प्रोग्राम है, आमदन प्रोग्राम है, उसमें मैं ये देखती हूँ कि ख़वातीन बहुत मेहनत कश होती हैं, ख़ास तौर पर जो देही इलाकों की ख़वातीन हैं वो बहुत मेहनत करती हैं, और अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाए कि ये यहाँ से हमें कर्ज़ा मिल सकता है, यहाँ से हमें
दुकान का सामान मिल सकता है, ये हमें गाय मिल सकती है। आपने देखे होंगे किस तरह के प्रोग्राम्स जब हमने लॉन्च किए थे, प्राइम मिनिस्टर फील्ड में हमारे साथ गए थे और बहुत उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, और ख़ासतौर पे आमदन प्रोग्राम को वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कंसिस्टेंटली देखा कि औरतें बहुत मेहनत कश होती हैं, मगर उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी होता है कि जी आप कर्ज़ा कहाँ से लेंगी, आप बैंक अकाउंट किस तरह खोलेंगी, बचत मरकज़ का कहाँ है, क्योंकि अब हकूमत एहसास प्रोग्राम के अंडर बहुत से एवेन्यूज़ खोल रही है लोगों के लिए। तो हमारे लिए जो अगला जो जो बड़ा ही अहम जो हदफ है वो ये है कि सब चीज़ों को यूनिफाई करें डिजिटली ताकि एक इंटरफेस हो, क्योंकि अभी तो वेबसाइट्स होती हैं ना, तो लोग वेबसाइट पे जाते हैं तो आप प्रोग्राम वाइज डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये एक ट्रेडिशनल तरीका कार है वेबसाइट बनाने का। मगर किसी को अगर कर्ज़ा चाहिए उसको स्क्रीन पे पता होना चाहिए कि क्लिक करें और उसको कर्ज़ा मरकज़ तक वो ले जाएँ। आप किसी को पनागाह को क्लिक करें, पनागाह चाहिए आपको रात को ठहरना है तो आप क्लिक करें और वो आपको करीबी पनागाह पे ले जाए। तो इस किस्म की चीज़ें हमने उसकी बहुत से जो हिस्से हैं, बहुत से टुकड़े हैं, उन पे काम बहुत तेज़ी से जारी है और बहुत ही जल्द हम इसको ओपन कर देंगे। सवाल आपका था ख़वातीन का, मैं जवाब देते देते बहुत ड्रिफ्ट हो गई, बट द की थिंग इज़ कि ख़वातीन बहुत मेहनत कश होती हैं, उनको मौाक़े चाहिए होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और जब आप उनको मौाक़े दे दें और इन्फॉर्मेशन दे दें और मौाक़े दे दें तो द स्काई इज़ द लिमिट। ज़बरदस्त डॉक्टर सानिया, आपकी कॉन्वर्जेशन में मैं बार बार देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, डिजिटल जिस तरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, डेटा एनालिटिक्स का आपने बोला, दिस इज समथिंग जो कि जनरली हम पाकिस्तान में नहीं देखते, कि वेरी डेटा सेंट्रिक अप्रोच आपने अपनाई हुई है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और आपने आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके मतलब इन अ सिस्टम, हमें ये पता है कि जिस तबके को आप टारगेट कर रही हैं उसकी शायद जनरली डेटा कलेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, यू नो इट्स ईजियर कि आप टॉप 1-3% को अगर करें तो उनके पास स्मार्टफोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये जो थॉट है ये कहाँ से आई, मैं थोड़ा सा अगर मुझे उसके बारे में बताएं, और थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह आपने पहले भी कहा कि रिपोर्ट्स आपके पास मंथली आती हैं, तो इज़ दैट लाइक एन ऑनगोइंग थिंग जिसमें आप लोग एक्टिवली रिपोर्ट्स को देखकर अपने प्रोग्राम को ट्वीक कर रहे होते हैं? एक दफ़ा आपने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, वो आपने उसको चलाना है, आपने उसके पहले रियल टाइम एवेल्यूएशन करनी है जैसे हमने एहसास कैश में की, फिर आपने उसके ऑनगोइंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना है, उससे यू हैव टू कंटिन्यू टू रिफाइन। तो एक दफ़ा प्रोग्राम चलने पे एक हाईवे होती है, उसको आपने कॉन्स्टेंटली रिफाइन करना होता है। तो हमारे सिस्टम्स हैं कि क्योंकि एहसास की 4 एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, मेन एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं जो डिवीजन के साथ अटैच्ड हैं, मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड हैं, तो हर किसी का कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफ़र सिस्टम्स हैं, ये मेरे दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड्स हैं, हम उससे मॉनिटर करते हैं, कुछ जो आमदन बिला सूद कर्ज़े का प्रोग्राम है उसकी मंथली रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ को हम ऑन अ क्वार्टरली बेसिस मॉनिटर करते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं फॉर मॉनिटरिंग, और फिर इसके अलावा स्पॉट चेक्स अलग होते हैं, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन अलग होती है, प्रोसेस वैल्यूएशन के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इम्पैक्ट एवेल्यूएशंस एक और ही कहानी है। तो मतलब इसका यह है टू लर्न एंड टू रिफाइन ऑपरेशंस, और फिर ये कि क्योंकि ये बहुत ही एक नया प्रोग्राम है, जदीद प्रोग्राम है, दुनिया में अपनी किस्म का एक बहुत मुनफरद प्रोग्राम है कि पूरे हकूमती इंजन को इस्तेमाल करके लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें इंटरनेशनल बहुत फोकस है। और तो हमारी कुछ जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शेयरिंग से भी मुतल्लिक हैं, जैसे कि आजकल हम एहसास कैश में बहुत इंटरेस्ट है, तो हर कोई चाह रहा है कि एहसास कैश के बारे में पता चले कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ इतनी स्पीड से, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंटेग्रिटी से और इतने बड़े स्केल पे, विच ब्रिंग्स मी टू योर क्वेश्चन अबाउट डेटा। तो आज का आपका सवाल था कि ख्याल कैसे आया, तो आजकल के ज़माने में एग्जीक्यूशन तो डेटा ड्रिवन प्रोसेसेस के बगैर हो ही नहीं सकती। मैं तो एक रिसर्च बैकग्राउंड एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरे लिए तो पेपर पे चीज़ चलानी इज़ जस्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन। आपने सवाल ये भी किया था कि जो डिसएडवांटेज लोग होते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी। तो देखिए मैं आपको एहसास कैश की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एहसास इमरजेंसी कैश में हमने टेक्नोलॉजी को लेवरेज कैसे किया और कहाँ कहाँ किया।
एट द फ्रंट एंड जब SMS कैंपेन लॉन्च हुई 8171 की, तो लोग टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इंगेज कर रहे थे? सिंपल फीचर फोन और SMS, वो तो अपना सिर्फ ID कार्ड नंबर डाल के हमें भेज रहे थे। हाँ, जो हमने सेंट्रल ऑफिस में उससे जो डेटा एनालिटिक्स की, जो वेल्थ प्रोफाइलिंग की, जो 15 डेटाबेसेस में से गुजारा, उसका तो उस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है ना, एज फार एज दैट पर्सन इज कंसर्न्ड, आदमी औरत, उन्होंने तो मैसेज भेजा, उनको जवाब आ गया कि आप हकदार हैं या नहीं और आपने कहाँ से जाके पैसे लेने हैं। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल आपने देखना होता है कि आपने कहाँ करना है और किसकी क्या कॉम्पिटेंसी है। मगर चैलेंजेस हमारे लिए हैं और उन चैलेंजेस को हम एज मिशंस फॉर द वे फॉरवर्ड लेते हैं। अब जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है इस मुल्क में, औरतों को और आदमियों को जो पैसे लेने जाते हैं, अब उनको ये एजुकेट करना कि आप कैसे उस इकोसिस्टम में कैसे इंटरेक्ट करें कि आपको कोई धोखा ना दे दे, आपका अंगूठा लगा के कोई और पैसे ना ले ले, इस किस्म की फाइनेंशियल लिटरेसी इंटरवेंशन करते हैं। मगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर आगे जाना किसी भी शोबे में बहुत मुश्किल होता है। अबाउट कोविड, बिकॉज अभी सबसे रिसेंट वो चीज़ रही है। बट बिफोर गोइंग देयर, आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आपकी मोटिवेशन और आपकी टीम की मोटिवेशन, बिकॉज दिस इज समथिंग, आपका बैकग्राउंड, आपका मैंने विकिपीडिया पे प्रोफाइल पढ़ी थी, मतलब वो चार पैराग्राफ्स ऑफ जस्ट द थिंग्स दैट यू अकॉम्प्लिश्ड, इट्स अ हमलिंग एक्सपीरियंस जस्ट टू रीड दैट। एक पूरी जर्नी आपकी रही है, वो डायरेक्शन आपकी है कि आज जहाँ पर आप बैठी हुई हैं वो आपकी पूरी लाइफ बताती है। क्या आपकी मोटिवेशन है जो जो जिस किस्म का आप काम करें, दिस इज नॉट जस्ट अ जॉब, दिस इज नॉट जस्ट यू नो एक ओहदा या सैलरी, दिस इज समथिंग व्हिच इज चेंजिंग लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज, जो कि शायद यू नो हमेशा हमेशा के लिए उनकी बदल जाएंगी। सो व्हाट्स द मोटिवेशन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? देखिए, मैं कार्डियोलॉजिस्ट थी एट वन पॉइंट इन माई लाइफ और मेरी जिंदगी में एक इंसिडेंट था विच वॉज वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर मी। मैं कैथ लैब में काम करती थी, जो आप सारे दिन एक लेड सूट पहन के कैथेटराइजेशन करते हैं, और अस्पताल में एक सर्कुलर आया कि आप अगर कोई पेइंग मरीज होगा तो आप नए कैथेटर डिस्पोजेबल चीज़ होती है आप इस्तेमाल करें, और अगर कोई पेइंग ना हो, गरीब आदमी हो, तो फिर इसी को साफ करके इस्तेमाल कर लें। तो मैंने उस दिन सोचा कि मैं ये काम नहीं करना चाहती, मतलब इतना डिफरेंस, इतना ग्लेयरिंग डिफरेंस। और उस ज़माने में क्योंकि मैं डॉक्टर थी, क्लिनिशियन थी, तो पब्लिक पॉलिसी और इन तमाम चीज़ों में मेरा कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं था। मगर उस दिन आई एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी, और वो जर्नी मुझे हस्पतालों से बोर्ड रूम्स और यू नो डॉक्टर से सिविल सोसाइटी, मिनिस्टीरियल रोल्स, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड करने से लेकर यूनाइटेड नेशंस के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ले गए। और मैंने उस जर्नी में ये चीज़ सीखी कि हर प्रॉपर काम करने के लिए आपको ईमानदारी से शुरू करना होता है। अगर आप ईमानदारी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो आप कोई सस्टेनेबल डिफरेंस नहीं ला सकते। तो मैंने उस दिन ये कॉन्शियस डिसीजन किया था कि ये मैं अपने लिए कि मैं ये काम नहीं करूँगी, नहीं तो मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट थी, मेरा बड़ा एक लुक्रेटिव करियर था, और जब मैंने अस्पताल छोड़ा तो लोग मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके पूछते थे कि आपकी बेगम का दिमाग तो सही है, कि ये तो इतने पैसे कमा कर सकती हैं तो ये क्यों जा रही हैं इस फील्ड से। तो इन योर लाइफ यू मेक दीज डिसीजंस, एंड इन हाइंडसाइट आई एम वेरी हैप्पी आई मेड दैट डिसीजन। तो ये मेरी मोटिवेशन है, आई एम हियर टू जेन्युइनली मेक अ डिफरेंस। और अगर मैं किसी वक्त ये समझूंगी कि मैं ये डिफरेंस नहीं ला सकती तो मैं चली जाऊंगी। और मैं वाकई प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देती हूं, क्योंकि जब भी हम मुश्किल डिसीजंस करते हैं तो वो हमारे पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि मेरे से पहले भी शायद लोग मुश्किल डिसीजंस करना चाहते हों, मगर उनको कभी ये सपोर्ट नहीं दी जाती थी। अगर मैंने 800,000 लोग निकालने होते हैं तो वो मेरे पीछे खड़े होते हैं, अगर मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है तो वो सपोर्ट करते हैं, अगर मैं उनको ये बताऊं कि मैंने ये एहसास कैश बिल्कुल मेरिट बेस्ड करना है और इसमें एक भी विंडो नहीं रखनी कि कोई एक केस भी डाल दे, एक केस भी निकाल दे, तो ही सपोर्ट्स अस। और अगर वो ये सपोर्ट ना करें तो शायद मैं यहाँ 1.5 साल ना रह सकती। सही, एक चीज़ यू नो आई फील लाइक लोगों को नहीं पता पाकिस्तान में कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट इस वक्त चीफ हैं, व्हेन ही वाज बीइंग इलेक्टेड, तो उसमें जो टॉप 3 लोग थे, you were one of those people as well, and
अगर शायद हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट होती तो शायद आज आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही होती हैं और हमारे पास शायद एहसास होता ही ना. सो टेल अ लिटिल बिट अबाउट के वो क्या टाइम था, वो कैसा हुआ, हाउ डिड दैट सॉर्ट ऑफ टर्न ऑफ इवेंट्स हैपन, एंड आज जब आपका रोल यू नो अल्टरनेटिवली यू आर पार्ट ऑफ द कोविड सिचुएशन बट फॉर पाकिस्तान, सो हाउ डज दैट, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? हाँ, मेरे लिए ये तमाम जो कॉन्टेक्स्ट है ये वो कहते हैं ना फ्रेंच में डेजा वू, क्योंकि 2017 में इलेक्शन हुआ था डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और उस इलेक्शन के दो स्टेजेस होते हैं. पहला जो इलेक्शन था उसमें 6 कैंडिडेट्स थे, तो पहला जो इलेक्शन हुआ तो ब्रिटिश कैंडिडेट और जो अभी टेड्रोस हैं इथियोपियन और मैं, हम इलेक्शन जीते थे. टेड्रोस के उस इलेक्शन में 30 वोट थे, मेरे 28 वोट थे, और ये 32 का पूल होता, और जो थर्ड जो ब्रिटिश कैंडिडेट थे उसके 18 वोट्स थे, तो मैं बहुत हाई वोट से. मगर फाइनल इलेक्शन में मैं जीत नहीं सकी. मगर ये पूरे जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था उसमें मैं कोई 195 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट या फॉरेन मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर से मिली, उनके डेलीगेशन के 70 मुल्कों में मैंने एज ए पाकिस्तानी कैंडिडेट ट्रैवल किया. और मेरी वहाँ एक फेवरेट स्टेटमेंट होती थी, जब भी मैं किसी मुल्क के डेलीगेशन से मिलती थी तो मैं कहती थी कि जी देर आर 3 थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, अ वर्ल्ड वॉर, अ सेलेस्टियल इवेंट और अ पेंडेमिक. और सब यूं करके देखते थे कि पता नहीं ये पागल खातून है. तो हमें मालूम था फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, हमें मालूम था कि यू नो अगर कभी कोई पेंडेमिक आ गया जो, तो वो दुनिया के लिए एक बहुत ही डेविस्टेटिंग चीज़ हो गई होगी, और अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू सी इट इन आवर लाइफ टाइम्स. तो मैं इस चीज़ के बहुत क्लोज हूँ बिकॉज मैंने, मेरा पब्लिक हेल्थ करियर है, और मैंने एज अ कैंडिडेट, एज अ DG कैंडिडेट, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो आपको तैयारी करनी पड़ती है, यू नो लोगों को अपनी मैनिफेस्टो बताने के लिए, सो आई एम वेरी क्लोज टू दिस सब्जेक्ट. इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसमें मेरा रोल जो है वो हेल्थ का नहीं है, वो पॉवर्टी एलिविएशन का है. और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने लोगों की इस वक्त ये खिदमत कर सकूँ, और एक ऐसी गवर्नमेंट में कर सकूँ जहाँ पे इंटेग्रिटी जो है वो बहुत अहम है, जहाँ एक वज़ीर आज़म है जो जेन्युइनली चाहते हैं कि काम ईमानदारी से हो, और अपने मिनिस्टर्स को, अपने असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट्स को, एडवाइजर्स को सपोर्ट करते हैं कि वो ये काम करें. सो आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव दी एबिलिटी टू हेल्प आवर पीपल. आई फील वेरी हम्बल दैट आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ सच अ बिग कैश ऑपरेशन एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम. राइट. एंड ये जो कैश ऑपरेशन है, आई मीन वी यू नो वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन कोविड एंड वी हैड दीज डिस्कशंस वेयर यू नो लॉकडाउन वर्सेस नो लॉकडाउन, यू नो इकोनॉमिक इंपैक्ट है कि नहीं है. नाउ इंक्रीजिंगली वी आर सीइंग, स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे रीजन में भी, इंडिया के साथ जो जिस तरीके से यू नो इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, और यू नो रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि नेगेटिव GDP कितना जा रहा है. सो हाउ इम्पॉर्टेंट एहसास पर्टिकुलरली हैज़ बिन in saving जो आपकी वो है ना, जो कि devastate potentially हो सकती थी एक community पूरी की पूरी जो economic damage से, वो आपके ख्याल में कितना important रहा है एहसास? देखें जी, जब एक चीज़ ठीक हो जाती है तो फिर जो काउंटर फैक्चुअल है वो तो आपके सामने नहीं होता कि क्या हो सकता था अगर ये ना होता. मुझे याद है जब लॉकडाउन हुआ और roughly कोई 2-1 हफ्ते गुजरे थे और एहसास कैश अभी ऑन ग्राउंड नहीं था, तो एक हम एक सिविल अनरेस्ट के दहाने पे खड़े थे. मुझे लोग बताते थे कि हम चाहते हैं कि लोगों को राशन दें, हम गाड़ी में अपने बैग्स रख के जाते हैं, मगर जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी गाड़ियों पे अटैक हो जाता है बिकॉज इतने डेस्परेट लोग स्ट्रीट पे हैं. आपने स्टेटिस्टिक्स देखी होंगी, लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 24 मिलियन ब्रेड विनर्स हैं जो या तो पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या वो डेली वेजर्स हैं, या वो पीस रेट वेजर्स हैं, और इन लोगों के लिए लाइफ हैड कम टू अ स्टैंड स्टिल. तो उस वक्त हम एक बिल्कुल ही सिविल अनरेस्ट के दहाने पे खड़े हुए थे.
और अल्लाह की मेहरबानी से हमारी हुकूमत के हाथ से ये काम हुआ कि हमने कैश लोगों के हाथों में टाइमली पहुंचाया, जल्दी पहुंचाया, स्पीडीली पहुंचाया। और वो कैसे हुआ वो भी एक दास्तान है, मैंने एक रिपोर्ट लिखी है, वो इंशाल्लाह ओवर द वीकेंड रिलीज़ होगी। तो अगर ये ना होता तो वी वर लुकिंग एट अ वेरी बैड सिचुएशन। एंड आई थिंक जो अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई है रिगार्डिंग जो हंगर सिचुएशन इन इंडिया, वी थैंकफुली यू नो हम पाकिस्तान का नाम नहीं आया उस रिपोर्ट के अंदर। सो डू यू थिंक कि जो हंगर क्राइसिस सुनने में आ रहा था कि आ सकता है, वो एहसास एटलीस्ट ऑन सम लेवल उसको बचा सका है? जी हाँ, आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान ने ये सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया है, क्योंकि अब जो हमारी आप मोर्टेलिटी देख रहे हैं वो भी सामने है, तो फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव आल्सो एंड फ्रॉम द इकोनॉमिक्स एट द ग्रास रूट्स पर्सपेक्टिव आल्सो, ये बड़ा ही फाइन बैलेंसिंग एक्ट था, एंड आई थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज़ मैनेज्ड दिस वेरी वेल। सही। सो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कहते हैं कि जी जो ये कोविड क्राइसिस एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट्स नॉट अ हेल्थ क्राइसिस पर से, बट दैट्स अ मिक्स ऑफ अ हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आपने भी यू नो यही चीज फिर से कही। डू यू थिंक लाइक हाउ क्लोजली आर यू वर्किंग विद लाइक यू नो द हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर या हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर दैट मैटर टू मेक श्योर कि ये दोनों एंगल्स देखे जाएँ जब भी कोई डिसीजन लिया जाए? देखिए जी, ये जो कोविड की सिचुएशन में मल्टी सेक्टरल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, तो उस पर जो डिसीजंस होते हैं उस पर सब इकट्ठे बैठे होते हैं। तो ये कोई नॉर्मल टाइम्स की एक्टिविटी नहीं है कि मैं कोई PC1 बना रही हूँ तो मैंने अपने कोलीग को रीच आउट करना है। ये एक बड़ी रियल लाइफ and very well coordinated effort hai puri, ye bahut hi well coordinated effort right from the very beginning tha, to usme har cheez ki jo policy ki implications hai wo different perspective se, kyunki aap saath baithte hain, aap automatically dekhi jati hain, right? I'm just gonna you know wrap this up thoda sa, I'd like to understand ki jo overall abhi government mein humne ek you know language mein bhi recently suna ki elite capture ka word kafi istemal hona shuru hua hai, can you explain that in terms of you know contrast to ehsaas for example, ke jo ke kis tarike se hamare yahan elite capture exist karta raha hai aur ab kis tarah usko badla ja raha hai? Ji, elite capture ka basically ye matlab hai ki hukumat ki jo tamam faisla saazi hai, jo tamam decision making hai, wo ek khaas tabke ko hi favor karne ke liye banayi jaye, aur currently government ke jo overarching policy objectives hain khususan ehsaas, wo uske bilkul hi baraks hain, कि आपने टेबल को बिल्कुल टर्न कर दिया कि आपकी फैसला साजी में आप एक और तबके का ख्याल रखेंगे और आप जो एलीट कैप्चर है उसको सिस्टमैटिकली ब्रेक करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करेंगे। अच्छा, आपने रिपोर्ट की बात की, आई लाइक टू अंडरस्टैंड कि यू नो इतना बड़ा प्रोग्राम आपने रोल आउट किया, डेफिनेटली इसके अंदर कोई चैलेंजेस भी हुए होंगे, इट कांट गो एज स्मूथली एज यू नो, सुनने में तो लग रहा है कि परफेक्टली हो गया, बट व्हाट आर द चैलेंजेस जो आपको इसमें फेस आए? देखिए जी, कुछ चैलेंजेस तो राइट अप फ्रंट जब हम कंसेप्चुलाइज कर रहे थे, जब हम प्रपोजल लेके गए कैबिनेट में और NCC में, तो जो चैलेंजेस हमने बताए ये कि हम ऑपरेशंस लॉकडाउन में करेंगे, सेक्शन 144 ऑफ द पीनल कोड इन इफेक्ट है, उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि COVID-19 के स्प्रेड का ख़तरा है, तो हम मगर उसके लिए हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, पेमेंट स्टैगर करेंगे यूनियन काउंसिल वाइज, सैनिटरी मेजर्स लेंगे, वगैरह वगैरह। तीसरा जो रिस्क था वो ये था कि फेडरल सिस्टम है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्न करती हैं, अगर हर कोई अपनी स्कीम चलाएगा तो लोग ग्रासरूट्स लेवल पे सफ़र करेंगे। हम 12,000 की स्कीम चलाएंगे, प्रोविंस एक्स 4,000 की चलाएगा, प्रोविंस वाई 3,000 की चलाएगा, तो ये तीन रिस्क सबसे हमारे सामने थे। फिर ये कि लार्ज एक डेस्परेशन की सिचुएशन है, आप 143 अरब जो तब था, अब तो 203 अरब हो गया है, पाइपलाइन में डालेंगे, कैश मूव होगा, लोग कैश लेके पॉइंट से निकलेंगे, सिक्योरिटी इज़ अ रियल इशू। तो इन तमाम चीज़ों को हमने NCOC पे, NCC पे, कैबिनेट लेवल पे, अपने इदारे के डिफरेंट फोरम्स पे डिस्कस किया, उसके सेफ गार्ड्स बनाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ। फिर जब हमने रोल आउट किया
तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और उसकी रियल टाइम लर्निंग्स थी जो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हो रहा था, उसकी रियल टाइम लर्निंग्स थी जो हमने डे टू डे उसको यू नो वी फाउंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम्स वर एंड वी केप्ट रेक्टिफाइंग। पहले दिन मुझे याद है कि मैं गई फील्ड में लेबर एक के वो मजदूर जहाँ बैठते हैं F7 में, तो वो मजदूर मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए तो पहले वीक में, तो मैंने कहा आपने मैसेज किया है, आधों ने किया हुआ था आधों ने नहीं किया हुआ था, मैंने कहा क्यों नहीं किया, तो एक मज़दूर ने मुझे करीब आके बताया जब उसको पता चला कि मैं पश्तो बोलती हूँ कि जी मुझे SMS करना नहीं आता। तो उस दिन फिर हमने वो वॉलंटियर्स को मोबिलाइज़ किया और फिर हमें पता चला कि बहुत से लोगों के पास क्रेडिट नहीं होता, फिर हमने 8171 स्कीम को फ्री कराया, फिर हमें पता चला कि जो हम मैसेजेस भेज रहे हैं, क्योंकि मैं रोज़ सुबह रेडियो प्रोग्राम करती थी तो एक लड़की ने मुझे कहा कि मुझे मैसेज आया आपके वालिद हकदार हैं, वालिद की डेथ हो गई है मैं क्या करूं, सो आई हैड टू एक्सप्लेन टू देम कि डेटा ड्रिवन मैसेजिंग की लिमिटेशंस होती हैं और क्योंकि आपने डेथ सर्टिफिकेट नादरा में जमा नहीं कराया तो हमें तो मालूम नहीं है। सो फिर उसका वर्क अराउंड निकाला, फिर बायोमेट्रिक फेलियर्स आने लगे, फिर उसका वर्क अराउंड निकाला, नादरा के दफातर खुले, उससे मसला हल नहीं हुआ, बैंकों के साथ रोज़ाना मीटिंग की, एक नया सिस्टम निकाला। फिर अर्लियर ऑन वी फाउंड आउट कि जो रिटेलर हैं, जो पैसे जो दुकानदार हमारे कैंपों में बैठते थे वो कहते थे जी आप हमारी 100 रुपये की कमीशन पर 40 रुपये कमीशन काटते हैं, 40 रुपये टैक्स काटते हैं, तो हमारे तो वारा नहीं खाता इस डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में। हम समरी ले गए अप्रोप्रिएट फोरम पे कि जी हमें ये टैक्स वेवर दें एडवांस इनकम टैक्स का जो 24% है, तो फोरम ने रिजेक्ट कर दिया कि जी ये तो हम नहीं दे सकते। तो दूसरे दिन हम प्राइम मिनिस्टर के साथ पेशावर जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर में उनको मैंने ये कहा कि जी ये मसला है, तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर फौरन मसला ये हल कराया और हमारा वो 24 रुपये उस कमीशन पे फ्री अप हुए। फिर एक एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हम गए कि जी 40 रुपये में से 24 रुपये तो फेडरल गवर्नमेंट ने माफ़ किए, आप 16 रुपये सेल्स टैक्स भी माफ़ करें। एक एक चीफ सेक्रेटरी को उनके प्रोविंशियल कैबिनेट एजेंडाज पे डाले, उनकी कैबिनेट सब कमिटीज़ के एजेंडा पे डाले, फॉलो अप किए, इसलिए कि रिटेलर इंसेंटिवाइज हों, वो कैंप्स में आएँ और पेमेंट करें। फिर हमें कुछ कैटेगरीज में स्लो पेमेंट्स थी, फिर हमने वीकेंड पे टेलीफोनिक सर्वे किया, पता चला कि मैसेजिंग में क्या इशू है, फार फ्लंग एरियाज़ में लिक्विडिटी के मसले हो जाते थे जी, पैसा ख़त्म है, वीकेंड है, बैंक बंद है, कनेक्टिविटी आज डाउन है, नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा मसाइल होते थे। तो देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैसिव प्रोग्राम था, रियल टाइम में रोल आउट था, हमारा ऑफिस जो था वो सुबह से लेके और रात तक ही ये रियल टाइम मीटिंग्स करता रहता था। फिर हमें जो सबसे जो जिसका ख़तरा था वो ये था कि लोग, ये बेचारे बड़े मासूम लोग होते हैं, बड़े बड़े बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं होते, रूरल एरियाज़ में, इंटीरियर सिंध, साउथ पंजाब, उन्होंने कभी 5,000 का नोट देखा भी नहीं होता, तो वो जो रिट जो उनको पैसे देते हैं उनसे डिडक्शंस करते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली हम उस पर नज़र रखते थे, FIRs रोज़ाना की कटती थी, लोग अरेस्ट होते थे, डिसिप्लिनरी एक्शन होता था, वो भी रोज़ाना की बेसिस पे होता था। फिर उसके बाद एक दफ़ा फेक करेंसी सर्कुलेट होने लगी, उस पर क्लैंप डाउन किया, फिर हैकर्स एक्टिव हो जाते हैं ऐसे माहौल में, हमने साइबर विजिलेंस ग्रुप बनाया, तमाम एजेंसियों को उसमें लेके आए, FIOA को लेके आए, तो ये एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। एंड लेट मी नॉट फॉरगेट कि ऑन ग्राउंड जो थे वो तो डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, वो कैंप्स देते थे, वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करते थे, फिर हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक पार्टनर्स थे वो लिक्विडिटी मोबिलाइज करते थे अपनी बैंक ब्रांचेस से, रिटेलर्स को पैसे देते थे, रिटेलर्स वहाँ कैश आउट कराते थे, रेंजर्स गार्ड करते थे, हमारे लोग मॉनिटरिंग करते थे, तो इट्स अ वेरी लाइक वेल राउंडेड नेशनल एफर्ट जिसकी वजह से ये सारा इट वाज अ होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट। हमें हमारी समरियां जाती थी, ECC डिफरेंट वेव्स में पैसे मिलते थे, ECC कन्वीन होती थी, कैबिनेट अप्रूवल देती थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें टाइमली पैसे मोबिलाइज करते थे, फ़ोन कर रहे होते थे कि हमें ECC के एजेंडा पे ये चीज़ डालें, कैबिनेट के एजेंडा पे चीज़ डालें, तो इट वाज अ मैसिव
कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो आपको लम्हा ब लम्हा उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती थी, उसमें मिस्टेक्स भी हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिस्टम का ये फोकस था कि ये चीज़ हमने मेरिट पे करनी है, हमने इंटेग्रिटी से करनी है. And I think alhamdulillah that has been you know the worst is behind us now hopefully. जी, the payments are still ongoing. Right. Payments अभी हम कोई 13 million पे पहुँचे हैं, हमारे पास budget 16.9 million का है. और क्योंकि मैं हर interview में press conference में ये कहती हूँ, हमारी एक website है ehsas.nadra.gov.pk, वो please अगर flash भी कर दें, लोग वहाँ जाएँ, अपना ID card number डालें, अपना status देखें, और फिर हमारी वेबसाइट पे ही पेमेंट साइट्स की लिस्ट है, वहाँ पे जाके प्लीज़ अपनी पेमेंट रिसीव करें ताकि हम ये राउंड जो है इसको क्लोज करें. और करीब प्राइम मिनिस्टर इसका जो दूसरा राउंड है उसकी जो है वो ऐलान करने वाले हैं. तो मेरी सबसे आपके तवसुत से सब देखने वालों से यही रिक्वेस्ट होगी कि ehsas.nadra.gov.pk पे जाके अपने स्टेटस चेक करें और जल्दी से जल्दी पेमेंट वसूल करें. अच्छा, इसमें आज आया, मैं आपकी टीम से मिला, तो यू नो इट्स वेरी क्लियर कि दे आर ऑल वेरी इंस्पायर्ड बाय यू. सो आई'd लाइक टू नो कि पिछले दो सालों के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आप इंस्पायर हुई हो. इंसिडेंट्स तो बहुत हैं, मगर अभी रिसेंट मेमोरी में एहसास कैश की ऑपरेशंस में हम लड़काना गए थे, तो वो वहाँ पे एक आदमी से मैं मिली जो कैश लेने बैठा हुआ था, और उसने हवाई चप्पल पहने हुए थे, और वो हवाई चप्पल में तीन जगह टांके लगे हुए थे. और जब वो मुझसे बात कर रहा था तो वो बहुत कोशिश कर रहा था कि उसकी कमीज़ पे जहाँ पे रफू हुआ हुआ वो मुझे नज़र ना आए. और आप यकीन और आप इमेजिन करें कि उसको पता था कि वो आज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उसने अपने बेस्ट कपड़े पहने होंगे. तो मैंने उससे पूछा कि आप को 12,000 उसने मुट्ठी में भेज के रखे हुए थे, तो मैंने कहा इससे क्या करेंगे. कहता मेरा तो पूरे साल का मामला ठीक हो गया है, क्योंकि मैं 1500 रुपये के केले लूँगा, 500 रुपये की रेड़ी किराए पे लूँगा, और 1500 रुपये के केले जो हैं जब मैं बेचूँगा तो हर रोज़ मैं 300 रुपये घर ले जाऊँगा. आई हैव नेवर फेल्ट मोर हम्बल्ड इन माई लाइफ. अच्छा डॉक्टर सानिया, वन लास्ट क्वेश्चन, 2023 में व्हाट्स द ड्रीम, लाइक एहसास को आप किस जगह पर देखती हैं, अगर ये सारा का सारा प्रोग्राम जो आपका ख्वाब है वो उसी तरीके से पूरा होता है तो व्हाट डज दैट लुक लाइक. 2023 से बहुत पहले इंशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी. और विजन है कि किसी को भी अगर हेल्प चाहिए हो गवर्नमेंट से तो वो एक बड़ी इंटरेक्टिव फॉर्मेट में वो एक डिजिटल इंटरफेस पर जाए, उसको कर्जा चाहिए उसको कर्जे के करीबी सेंटर ले जाए, उसको रात को पनागाह में ठहरना है, करीबी पनागाह का पता चल जाए, वो भूखा है उसको करीबी लंगर का पता चल जाए, उसको अपनी एक औरत बेवा हुई है उसको पता चले उसने कौन से रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाना है और अपना स्टेटस, और उसको फौरन नोटिफिकेशन आ जाए और उसको फौरन पेमेंट्स शुरू हो जाएं. किसी ने सड़क पे बच्चा देखा है उसको दाखिल कराना है, उसको एग्जैक्टली पता हो कहाँ लेके जाना है. किसी को कर्जा चाहिए, एसेट चाहिए, ये तमाम चीज़ें एक इंटरैक्ट, क्योंकि हम पीछे सारे सिस्टम खड़े कर रहे हैं, ये जो तमाम सिस्टम है वो अब आई वुड से कि कोई 80% खड़े हो चुके हैं. किसी का बीमार अस्पताल में है वो क्लिक बटन करे और उसको मैसेज आ जाए कि क्या करना है. सिस्टम्स हम खड़े कर रहे हैं, उसका जो डिजिटल इंटरफेस है जो एक आम आदमी को समझ आ जाए, जो मेरे जो आपके ड्राइवर को समझ आ जाए, जो एक मज़दूर को समझ आ जाए, वो खड़ा करना ताकि पाकिस्तान में किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो तो उनको पता हो कि हुकूमत उनके लिए ये चीज़ प्रोवाइड करिए. दैट इज़ द विज़न. और इंशाल्लाह ये 2023 से बहुत पहले हो जाएगा. एक तो ये कि जो इंटरफेसेस हैं, खाली प्रोग्राम्स नहीं बनाना, क्योंकि प्रोग्राम्स जो सिर्फ किताबों में रहें, और मगर इंटरफेस ऐसा हो कि लोग उससे मुस्तफीद होएं. और दूसरा ये कि लोग पावर्टी से बाहर निकलें, कि वो हमारे कैश ग्रांट्स पे उनकी रिलायंस नहीं हो, वो हमारे और विंडोज़ से मुस्तफीद हो सके, हमारे बिलासूद कर्ज़े प्रोग्राम से मुस्तफीद हों, आमदन प्रोग्राम से मुस्तफीद हों, कमर्शियल बैंक्स से वो लोन लेने के काबिल हो जाएं, गवर्नमेंट की. और जो मैं तो आपको सिर्फ एहसास के दायरे कार के ही बता रही हूँ ना, मैं कि गवर्नमेंट में तो रिफॉर्म बहुत
एस्पेक्ट से चल रहा है तो बाकी गवर्नमेंट की सर्विसेज से वो मुस्तफीद हो सके, तो सो ये विजन है इंशाल्लाह। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच डॉक्टर सानिया निश्तर फॉर गिविंग अस योर टाइम। और ख़वातीन हज़रात, दिस वाज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट विद डॉक्टर सानिया निश्तर। वी विल बी बैक सून विद अनदर वन।